अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी YouTube की फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है हम लोग करेले बना रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने करेले नहीं बनाए। तो करेलों की रेसिपी तकरीबन सबको आती है और सबको अच्छे से बनानी आती है। तो जैसे हम लोग बनाते हैं, शायद काफ़ी लोग इस तरह ही बनाते हों, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा चेंज बनाते हों, क्योंकि हर बंदे का अपना अपने हाथ का टेस्ट भी है और बनाने का तरीका भी अलग है। तो हम लोग जो हैं ज़्यादातर इस तरह ही बनाते हैं कि थोड़ा सा जो है वो पहले करेलों को जो है वो रेड कर लेते हैं, उसके बाद फिर बीच में ही प्याज वगैरह ऐड कर लेते हैं, और साथ में फिर थोड़ा सा जब ये प्याज और करेले दोनों थोड़े से फ्राई हो जाते हैं तो फिर बाकी मसाले जैसे कि टमाटर वगैरह और बाकी जो जो मसाला ज़्यादा होते हैं वो बना के वो डाल के तो थोड़ी देर के लिए उसको फ्राई करते हैं, उसके बाद फिर दम पे लगा देते हैं, तो करेले हमारे रेडी हो जाते हैं। अब आप बताइए, क्या आप इस तरह बनाते हैं या चेंज आपकी रेसिपी होती है, लाजमी मुझे बताइएगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, फिर आपसे भी पूछती होती हूँ, और अक्सर मेरी जो सिस्टर है, मेरी दोस्त हैं, वो मुझे बताती भी होती हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच सबका। तो अभी मैंने कहवा बनाया था साथ ही, और उसके बाद जो हमारे घर में जो एक अदद बिल्ली आ गई थी, तो बिल्ली आई है जब, तो अब बच्चे उसको तंग करने लग गए, फिर उसको हम लोगों ने बाहर निकाला। उसके बाद फिर जी हम लोग रायान को लेने चले गए स्कूल, तो अभी यहाँ पे अजानें भी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो रायान को स्कूल लेने चले गए, क्योंकि दिन आजकल इतने छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा पता ही नहीं चलता। और असर की अजान, फिर मगरब की, और उसके बाद फिर ईशा की आगे पीछे अजानें होती हैं, और फिर मज़े की बात यह है कि आप एक वजू से सारी नमाज़ें पढ़ लेते हो। तो अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी कि आजकल जो है बच्चों की विंटर वेकेशंस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो आया आप अपने बच्चों के लिए क्या उनकी छुट्टियों के लिए हॉबीज़ वगैरह जो है वो आपने डिसाइड की हैं, तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं बच्चों के लिए क्या करूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये रज़ाई वगैरह दिखा रही थी कि इसमें जो है हम लोगों ने और रुई ऐड करनी थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से रात को जो है वो इस जो भी सोता है इस बिस्तर में इसको ठंड लग जाती है, तो सोचा है कि इसके अंदर थोड़ी सी और रुई वगैरह डालें और इसको थोड़ा सा जो है वो भारी कर लें या मोटा कर लें, जो भी आप कह सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे बिल्ली एक नज़र आ रही थी, मैंने इसको भी जो है वो कैसे उसको भी थोड़ा सा मैंने कहा कि वो भी वीडियो में आ जाए। तो अभी जो हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापस आने के बाद जो है बच्चों का यूनिफॉर्म चेंज किया, और रयान को करेले बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको पता है बच्चे इस तरह की चीज़ कहाँ खाते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने जो है वो चिप्स वगैरह बना लिए दोनों के लिए कि दोनों जो हैं वो चिप्स खा लें। और आज लाइट भी नहीं थी सारा दिन, तो अक्सर जो है वो जब लाइट नहीं होती तो आपके सारे काम जो है ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं कि दिल बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे काम से भी छुट्टी हो गई जब लाइट चली जाती है। तो अभी मैंने जो है वो चिप्स बच्चों को दे के उसके बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह धोने थे, कि सुबह के जो है वो नाश्ते के भी अभी बर्तन पड़े हुए थे। पता नहीं आज अजीब सी सुस्ती आई हुई थी, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। तो कभी कभी दिन इस तरह के होते हैं कि आपका बिल्कुल भी मूड नहीं करता कुछ भी करें आप। तो यहाँ पे जो है बच्चों ने जो है वो फ्राइज़ इंजॉय कर लिए। उसके बाद अब ये मगरब का जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम ये जो है वो बर्गर इनके बाबा लेके आए थे, तो ये अभी वो खा रहे हैं बच्चे। तो क्योंकि इन्होंने जो है वो दिन को खाना नहीं खाया था, सिर्फ चिप्स ही खाए थे, तो अभी इन्हें जल्दी भूख लगी थी, तो मैंने कहा अभी खाना बनने में टाइम है तो ये बर्गर वगैरह खा लें, कुछ इनकी भूख ख़त्म हो जाए। तो बच्चों की वो चिड़िया वाली भूख होती है, दो मिनट में इनको भूख लगती है, दो मिनट में ये जो है वो इनके पेट भर भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।